हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। दिवाली में एक कप मैदे से आज हम ये चटपटी मसालेदार मठरी बनाएंगे, जिसे आपने शायद ही पहले बनाया होगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कप मैदा लेंगे, हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, 1/4 टी स्पून अजवाइन, 1/2 टी स्पून पुदीना पाउडर, 2 टेबल स्पून मेल्टेड घी, 2 पिंच बेकिंग पाउडर। अब हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम हल्का गुनगुना पानी लेकर इसका सेमी सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। आटा हमें ज़्यादा मसलते हुए चिकना नहीं करना है, तो इस प्रकार से आटे को हमने लगा लिया है। अब हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए सेट होने देंगे। 8 से 10 मिनट बाद अब हम आटे से 2 इक्वल साइज की लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। लोई बनाने के बाद अब हम इसे बेलेंगे। हमें इसे ज़्यादा पतला या ज़्यादा मोटा रखते हुए नहीं बेलना है। इस प्रकार से हमने इसे बेल लिया है। बेलने के बाद अब हम इसे इस प्रकार के छोटे ढक्कन से गोल गोल शेप में काट लेंगे। आप चाहें तो इसे लंबाई में या चौकोर शेप में चाकू की सहायता से भी काट सकते हैं। साइड के बचे हुए आटे की हम फिर से लोई बनाकर इसी प्रकार से सारी मठरी बनाकर तैयार कर लेंगे। सारी मठरी हमने बना ली है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए तेल को हमने मीडियम गरम कर लिया है, फ्लेम को हम लो रखेंगे और अब हम मठरी को फ्राई करने के लिए डालेंगे। लो फ्लेम पर हमें मठरी को लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। सारी मठरी जब फूलकर ऊपर आ जाएगी तो हम इस प्रकार से चम्मच से इसे हिलाएंगे। आप देख सकते हैं कि मठरी अच्छे से फूलकर साइज में डबल हो गई है। अब हम इसे अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई होने देंगे। जैसे ही मठरी पर अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर दिखने लगेगा तो अब हम इसे निकाल लेंगे। सारी मठरी को निकालने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे बिना मसाले डाले भी बना सकते हैं। 1/2 टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 2 पिंच काला नमक, 1/2 टी स्पून चाट मसाला, 1/2 टी स्पून पुदीना पाउडर, 2 से 3 पिंच काली मिर्च का पाउडर। अब हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चटपटी मसालेदार मठरी बनकर तैयार है। इसे आप एक बार बनाकर एक महीने तक आराम से खा सकते हैं। तो इस दिवाली इस मसालेदार मठरी की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।